हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। मैं सतीश चंद्र आपका दोस्त आज फिर आज एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यदि आपका एक से अधिक अकाउंट है, जैसे कि मान लीजिए यूनियन बैंक में है, बैंक ऑफ बड़ौदा में है और स्टेट बैंक में है, यानी कई सारे आपके अकाउंट हैं, तो आप उन अकाउंटों को मेंटेन नहीं कर पाते होंगे। मेंटेन का मतलब है कि उसमें आप लोग पैसे को लेन देन नहीं कर पाते हैं तो आपके अकाउंट बंद हो जाते हैं। तो किन कारणों से या किस किस प्रकार से आपके अकाउंट बंद होते हैं और कब आपके अकाउंट बंद हो जाते हैं? तो दोस्तों आपके तीन तरीके से अकाउंट बंद हो जाते हैं। फ्रीज अकाउंट हो जाता है, इनएक्टिव अकाउंट हो जाता है और आपका डोरमेंट अकाउंट हो जाता है। ये तीनों कब और कितने दिनों में होते हैं और इनको ओपन कराने के क्या क्या प्रोसेस रहेंगे? तो दोस्तों बने रहे हमारी वीडियो में और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं सबसे पहले मिले आपको। तो दोस्तों यहां पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका फ्रीज अकाउंट कब हो जाता है। तो दोस्तों यदि आप लोग 6 महीने तक आप अपने बैंक अकाउंट में लेन देन नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। तो फ्रीज अकाउंट हो जाएगा तो आपका पैसा तो आ सकता है, जैसे कि मान लीजिए सब्सिडी आती है या किसी गवर्नमेंट के थ्रू जैसे स्कॉलरशिप आती है या फिर किसी योजना के थ्रू आपके पैसे आते हैं, तो पैसे तो आ जाएंगे लेकिन आप लोग उन्हें निकाल नहीं सकते हैं। ना ही आप लोग APS से यानी अंगूठा लगाकर रुपये निकाल सकते हैं, ना ही आप लोग विड्रॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या होगा, क्या करना होगा कि आप लोग अपनी ब्रांच में जाएंगे, वहाँ ब्रांच मैनेजर को एक एप्लीकेशन लिखेंगे। एप्लीकेशन लिखने के बाद दोस्तों मैनेजर को सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपका अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। ये रहा आपका प्रोसेस जो आपका फ्रीज अकाउंट हो जाता है उसे ओपन कराने का और आसानी से आप लोग पैसे निकाल सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यदि यहीं पर आप 15 महीने तक लेन देन नहीं करते हैं, यानी 15 महीने तक, 1.5 साल मान लीजिए आप लेन देन नहीं किया है अकाउंट में, तो यहाँ पे तब भी आपका अकाउंट बंद हो जाएगा तो क्या होगा, आपका अकाउंट इनएक्टिव कर दिया जाएगा। जब इनएक्टिव कर दिया जाता है तो आपका अकाउंट में पैसे तो आ सकते हैं किसी योजना के थ्रू या कोई भी डालता है, पैसे तो आ जाएंगे आपके अकाउंट में लेकिन वो पैसे निकाल नहीं पाएंगे आप, ना ही APS से निकाल पाएंगे, ना ही आप लोग विड्रॉल कर पाएंगे। तो अब आपको क्या करना होगा, अब आपको अपनी बैंक में जाना होगा, जहां ब्रांच है, जहां आपने खाता ओपन कराया था वहां जाएंगे, वहां पे आपको एक फॉर्म दिया जाएगा इनएक्टिव वाला, जो फॉर्म आता है वो फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फिल करने के बाद आपको वहाँ जो कर्मचारी होंगे उन्हें जमा करना होगा। जमा करने के बाद आपका जो प्रोसेस रहेगा वो अकाउंट का एक्टिव कर दिया जाएगा। या फिर दोस्तों कुछ बैंकों में ऐसा होता है कि वहाँ पे आपको ये फॉर्म दिया जाता है और वहाँ पे आपके ID प्रूफ भी मांग लिए जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आधार कार्ड हो गया या फिर आपका पहचान पत्र हो गया। कहीं पर आपके यदि ID प्रूफ मांगे जाते हैं तो वहाँ पे आपको ID प्रूफ को सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं डोरमेट अकाउंट कब होता है। मान लीजिए आपका डोरमेट अकाउंट हो गया है, जैसे कि मान लीजिए आपने 24 मंथ तक यानी 2 साल तक यदि आप लोग लेन देन नहीं करते हैं, 2 साल तक यदि अपने बैंक में लेन देन नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट डोरमेट कर दिया जाता है। तो दोस्तों डोरमेट करने के बाद आपका क्या होगा कि आप पैसे निकाल नहीं सकते हैं। यहाँ पर भी आपके पैसे आ सकते हैं किसी योजना के थ्रू या कहीं से भी आप पैसे मंगाते हैं तो आपके पैसे अकाउंट में आ जाएंगे लेकिन उन्हें निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि दोस्तों आपका अकाउंट डोरमेट हो गया। अब दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको अपनी ब्रांच में जाना होगा, वहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलेगा KYC का, तो वहाँ पे आपको अपनी पूरी KYC करवानी होगी। KYC करवाने के लिए आपको आधार कार्ड ले जाना होगा और पैन कार्ड ले जाना होगा, और दोस्तों यदि दूसरा ID प्रूफ मांगे तो पहचान पत्र ले जा सकते हैं और 2 फोटो ले जाने पड़ेंगे क्योंकि दोस्तों वहाँ पे आपको दोबारा से अकाउंट जो है वो ओपन करवाना पड़ रहा है। ऐसे समझ लीजिए आप लोग कि आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट ले जाने के बाद तभी आपका जो अकाउंट है उसकी KYC की जाएगी। KYC करने के बाद आपका अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। हो सकता है आपका वहाँ पे बायोमेट्रिक भी ली जा सकती है और दोस्तों आपको जो फॉर्म मिलेगा उसमें आपके वहाँ पर साइन करवाए जाएंगे। साइन करवाने के बाद आपकी KYC हो जाएगी। KYC होने के बाद आपका जो डोरमेट अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो डोरमेट अकाउंट है वो भी ओपन हो जाएगा और आप लोग आसानी से पैसे निकाल सकते हैं। वहाँ पे बायोमेट्रिक भी हो सकती है। बायोमेट्रिक होने के बाद आप लोग अपने APS से भी पैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि फ्रीज अकाउंट क्या होता है, इनएक्टिव अकाउंट क्या होता है और डोरमेट अकाउंट क्या होता है और ये कितने दिनों में हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो और आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि यदि आपके अकाउंट में ये हो जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या क्या प्रोसेस रहेगा।
तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।